नमस्कार दोस्तों, संसार सागर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक। आपने बहुत से ऐप्स देखे होंगे जिनके द्वारा हम ऑनलाइन ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आप ऑफलाइन या बिना इंटरनेट के भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल संसार सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा चैनल है संसार सागर, यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करके मेरे चैनल संसार सागर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल संसार सागर को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल संसार सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुँच जाएंगे और हमारा और आपका संपर्क बना रहेगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं कि कैसे हम ऑफलाइन या बिना इंटरनेट के ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए ये मेरा मोबाइल है, आप प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, ऊपर सर्च बार आ जाता है, यहां पर लिखा हुआ है, ये सर्च बार है, यहां पर आप टाइप कीजिए गूगल ट्रांसलेट। यहां पर टाइप कीजिए गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट ये आ जाता है, यहां पर आप टच कीजिए। जब गूगल ट्रांसलेट सर्च होता है तो हमें बहुत से आइकॉन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका आइकॉन है, ये मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गूगल ट्रांसलेट है, यहाँ पर आप टच कीजिए। जब आप इसे टच करते हैं तो ये इस तरह ओपन हो जाता है। दोस्तों, ये अभी ऑनलाइन है, आपको पहली बार ऑनलाइन इस गूगल ट्रांसलेट को इंस्टॉल करना होगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दी गई है, यहाँ हिंदी पर आप टच कीजिए। जब आप इसमें टच करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लैंग्वेज मिलती हैं, आप जिस लैंग्वेज को चाहें पहले उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो लैंग्वेज ऑफलाइन या बिना इंटरनेट के काम करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर इंग्लिश और हिंदी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप भी इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आपको इसे डाउनलोड करना होगा,
जब ये डाउनलोड हो जाती है तो ये अपना काम करती है। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो अभी आप देख सकते हैं ऊपर जब मैं स्लाइड ओपन करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इंटरनेट का डाटा ओपन है, हॉटस्पॉट ओपन है। इसको मैं बंद कर देता हूं। यहां पर आप टच कीजिए, ये दोनों ही ऑफ हो जाते हैं। आप इसको वापस लाइए। और यहां पर टच कीजिए, यहां पे आप कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे आई एम दीपक, मैं यहां पर टाइप करता हूं आई एम दीपक। दोस्तों कुछ फॉन्ट होते हैं जिसे ये अपने हिसाब से लेता है। मैं टाइप करता हूं What are you doing? जब मैंने वहां ऊपर What are you doing टाइप किया तो यहां नीचे लिख के आ जाता है आप क्या कर रहे हैं। यदि मैं कोई दूसरा वर्ड टाइप करूं जैसे कि आई एम फाइन, मैंने यहां ऊपर टाइप किया है आई एम फाइन और यहां नीचे लिख के आ गया मैं ठीक हूं। इस तरह हम ऑफलाइन ट्रांसलेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कुछ फॉन्ट होते हैं जिन्हें ये अपने हिसाब से लेता है, जैसे कि मैंने यहाँ टाइप किया था आई एम दीपक। मैंने यहाँ पर डी आई पी ए के लिखा है तो ये यहाँ पर शो करता है दीपक, और जब मैं इसे टी डबल ई पी ए के टाइप करता हूँ तो ये शो नहीं करता, क्योंकि ये कुछ फॉन्ट कुछ लैंग्वेज को अपने तरीके से शो करता है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूं। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप मेरे वीडियो को देख सकें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।